दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन के एक और अपडेट के बारे में। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ परेशान हैं, तो उनको फिक्स करेंगे क्योंकि उनकी अर्निंग डिक्रीज हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हो, आपने वीडियो पे ऐड लगा रखा है, मोटिवेशन ऑन कर रखा है, तो आपकी वीडियो के आगे पब्लिक का जो सिंबल आता है उसके आगे एक मोटिलाइज का ऑप्शन दिखता है, वो देखिए इनेबल होता है। जब वो ग्रीन रंग में है तो मतलब उस पर ऐड चल रहे हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर आपकी वीडियो पे येलो है, कुछ लोग का कहना है कि उनको पता नहीं येलो क्या है। बहुत तो लोग को नहीं पता है क्योंकि अभी ये 1 महीने पहले ही आया है, ये नया अपडेट है मतलब यूट्यूब की तरफ से। दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है? अगर येलो आप पे सिंबल आ रहा है मोटलाइज का, तो मतलब आपने ऐड तो लगा रखा है लेकिन उस पर ऐड चल नहीं रहे, क्योंकि जो आपका कंटेंट है उसके लिए यूट्यूब को ऐड नहीं मिल रहा है। देखिए लिख के भी यहाँ आता है, नॉट सुटेबल फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर, मतलब बहुत ऐसे ऐड मतलब एडवर्टाइजर उनके लिए उनके ऐड आपके मतलब चैनल पर नहीं चल सकता। तो दोस्तों, इसको कैसे फिक्स करना है, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करना है इसको फिक्स करने के लिए। क्लिक करने के बाद आपका खुल जाएगा पूरा ऐसा। देखिए उसके यहाँ भी येलो आ रहा है, देखिए लिख के आ रहा है यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर में लिख के आ रहा है। तो आपको कैसे करना है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये YouTube का ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ऑटोमेटिक जैसे मोटिवेशन ऑन करते हैं आपकी वीडियो पे ऐड चलना शुरू हो जाते हैं, जैसे 3 तरह के ऐड दिखा रही है, तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। कभी कल गलती से भी रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि आपको पता है गूगल एडसेंस यूट्यूब एक ही का पार्ट है। गूगल एडसेंस कितना बड़ा है, उसके बाद हर तरह का ऐड है। तो इसको कैसे फिक्स करना है बताऊँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है रिक्वेस्ट मैनुअल रिव्यू। ये कहने का मतलब ये ऑटोमेटिक सिस्टम ने आपकी वीडियो को रिजेक्ट किया है ऐड के लिए, बट आप एक मैनुअल रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो यूट्यूब को, जिसके तहत आपको आपकी वीडियो को रिव्यू किया जाएगा और आपकी वीडियो को ऐड दिलाया जाएगा जो उसके लिए सूटेबल है। मतलब जो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं कर पा रहा है यूट्यूब का, वो उससे आप मैनुअली करवा सकते हो यूट्यूब को रिक्वेस्ट करके। लेकिन इसमें क्या इश्यू बताऊँ आप लोगों को, पहले आप रिक्वेस्ट इस पर क्लिक करिए। वो क्लिक क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का पॉपअप खुल के आता है और इस पॉपअप पे लिख के आता है रिक्वेस्ट रिव्यू में, रिक्वेस्ट राइट नाउ वी आर ओनली एबल टू रिव्यू वीडियो एटलीस्ट 100 और 1000 व्यू इन पास 7 डे। मतलब इनके पास इतने लोगों ने रिव्यू डाल दिया है 1 महीने में कि सिर्फ उसी वीडियो को रिव्यू कर रहे हैं जिसपे मतलब 1000 से ज्यादा व्यूअर्स हैं। अगर आपकी वीडियो में 1000 से ज्यादा व्यूअर है तभी आप मैनुअल के लिए रिक्वेस्ट डालिए, नहीं तो अदरवाइज वो जब तक 1000 नहीं होगी वो चेक नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ नहीं करना है इसमें, आपको यहाँ पर आई कंफर्म माई वीडियो सूटेबल फॉर एडिटर से क्लिक करना है। मतलब आपको यकीन है कि आपकी वीडियो बिल्कुल सही है, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, यकीन कर दीजिए आपको कोई ना कोई ऐड मिल जाएगा, यूट्यूब का बहुत ऐड है। तो आपको सबमिट रिव्यू पे क्लिक करना है। सबमिट रिव्यू क्लिक करने के बाद आपका रिव्यू सेंड हो जाता है और देखिए ये कुछ तरह इस तरह दिखेगा। ये सेंड करने के बाद देखिए लिख के आ गया रिव्यू रिक्वेस्ट है राइट नाउ वी आर ओनली लिख के आया है, तो वी विल रिव्यू योर वीडियो वंस इट रीच डेट थ्रेशोल्ड। मतलब जब 1000 व्यू पूरा हो जाएगा इस वीडियो का तब इसे YouTube रिव्यू करेगा और इस पर ऐड चलाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।